हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं कि हमको दूसरे इलाकों से, दूसरे जगहों से कनेक्ट करें, दूसरे इलाकों से मिलाएं। ना हवाई रास्ता है और ना ज़मीनी, और अभी हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है, वो है कारगिल स्कर्दो रोड। तो हम इसकी बहाली के लिए अपना भरपूर कोशिश करेंगे, अपना एहतजाज जारी रखेंगे, और जब तक हमारा ये मांग पूरा ना होगा, हम अपना ये एहतजाज हर जुमा को यहाँ कारगिल में, लद्दाख में, लद्दाख के पूरे इलाकों में, लेह से लेकर तुरतुक से लेकर द्रास से लेकर सांगको, चिकतन, पश्चिम और खुद डिस्ट्रिक्ट कारगिल में ये पूरा एहतजाज हमेशा जारी रहेगा। का हिस्सा चाहते हैं। इस वक्त हमारी जो हैसियत है हिंदुस्तान के जो है सेकंड क्लास सिटीजन से भी बदतर हमारी सूरत हाल है। तो इस सिलसिले को लेकर हमने एहतजाज किया है। जिस तरह इन्होंने करतारपुर में एक सिद्धू जी के लिए इन्होंने करतारपुर का रोड खोल दिया, इन्होंने मुजफ्फराबाद श्रीनगर रोड, इतने हालात ख़राब होने के बावजूद बुरहान वानी का जब एसेसिनेशन हुआ कश्मीर के अंदर, बुरहान वानी के कत्ल के बाद कश्मीर के अंदर जो हालात ख़राब हुए, उसके बावजूद भी वो रोड खुला रहा, कोई उस पर दरार नहीं आई। आज हमारे बल्तिस्तान और लद्दाख के लोग पुरअमन तौर पर मुसलसल ये मांग करते रहे हैं कि इस रोड को खोला जाए, लेकिन उसके बावजूद दोनों मुल्कों के कानों में जूं तक नहीं रहती। इससे साफ जाहिर होता है कि ये दोनों ममालिक के जो हुक्मरान हैं ये इंटरेस्टेड नहीं है और हमें इंसान नहीं समझते हैं। इसलिए हमने अपना जो विकार और अपना सेल्फ रेस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए इस एहतजाज को शुरू किया है, और हमारा ये मूवमेंट जब तक पाए तकमील तक नहीं पहुँचेगा, ये मूवमेंट जारी रहेगा। Thank you.